गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के दिन हमारे फ्री फायर के अंदर OB34 का अपडेट आने वाला है। इंडियन सर्वर में भी अपडेट आएगा, यानी कि आप कुछ ही देर बाद फ्री फायर को ओपन नहीं कर पाओगे, ना तो फ्री फायर का ना फ्री फायर मैक्स को। शाम को 5:30 बजे या 6:30 बजे के बाद आप फ्री फायर ओपन कर पाओगे। अब आप सोचोगे इतना बड़ा अपडेट, आखिर इसमें क्या नया आने वाला है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आज के OB34 अपडेट में क्या क्या नया आएगा और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। ये OB34 अपडेट वाला वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। सबसे पहले आप पार्ट 1 देखो, उसके बाद में पार्ट 2 जरूर से देख लेना। अपडेट नंबर 1, कलर इन टीममेट्स नंबर। आपके जो टीममेट्स होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपका भी नंबर होगा, 1, 2, 3, 4 नंबर होते हैं, उनमें आपको अलग अलग तरीके के कलर्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये कलर आपको मैप में भी देखने को मिलेंगे, साथ ही उनके जो नाम है उनके आगे भी आपको ये कलर देखने को मिलने वाला है नंबर के बीच में। और इसी के साथ में जब वो कोई मार्क करेगा तो उस मार्क में भी आपको वो कलर देखने को मिलेगा, जिससे आपको आसानी रहेगी कि कौन से बंदे ने मार्क किया, 1 नंबर ने फिर 2 नंबर ने। अपडेट नंबर 2, गेम के अंदर आपको अलग अलग तरीके के एड्रॉप्स देखने को मिलने वाले हैं। शुरू के जो एड्रॉप्स होंगे वो नॉर्मल से होंगे और उनके अंदर लूट भी आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी, लेकिन लास्ट के 2 जोन में आपको स्पेशल एड्रॉप देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। साथ में एड्रॉप के आसपास भी आपको एक अलग सा एनिमेशन देखने को मिलेगा। इस एड्रॉप को लूटने पे ये आसपास वाला एनिमेशन बंद हो जाएगा और इस एड्रॉप के अंदर जो लूट मिलेगी वो भी अच्छी खासी हैवी लूट होगी। साथ में जो एड्रॉप जहाँ पे भी गिरेगा वहाँ पे पहले से आपको एक निशान आ जाएगा, जिससे आपको आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एड्रॉप गिरने वाला है, जिससे कि आप एड्रॉप के नीचे आकर ना मरो। अपडेट नंबर 3, रैंक डिस्प्ले में काफ़ी सारे चेंजेस होंगे। अब आप देख सकते हो आपको एक न्यू तरीके की रैंक डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें आपको बैटल रॉयल, रैंक मोड, क्लैश स्क्वाड और साथ में बॉम्ब स्क्वाड और लोन वुल्फ के अलग अलग तरीके की रैंक आपको यहाँ पे अलग से सेपरेट देखने को मिलेगी। साथ में आपके जो टीयर्स होगी उनके रिवॉर्ड्स भी चेंज कर दिए गए, जैसे कि हीरोइक पे आपको इमोट्स वगैरह देखने को मिलने वाले, कुछ गन स्किन भी मिलेगी। ये सब टेम्परेरी मिलेंगे, परमानेंट ये कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे अलग से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इंटरफेस जो काफ़ी अच्छा कर देगा। साथ ही में आपको यहाँ पे रैंक टोकन एक्सचेंज स्टोर में एक न्यू बंडल देखने को मिलेगा, जो कि जोकर का बंडल होने वाला है और यहाँ पे आप देख भी सकते हो। अपडेट नंबर 4, आपको जो पीसी आइकन ऊपर दिखाई दे रहा था बीच में, अब वो थोड़ा सा साइड में दिखने को मिलेगा और जो रैंक आपको देखने को मिलती थी किसी भी प्लेयर की उसके नाम के जस्ट आगे, वो आपको यहाँ पे जस्ट ऊपर देखने को मिलेगी हमारे नाम के, यानी कि बीच में आपको देखने को मिलने वाली है। अपडेट नंबर 5, फिस्ट के एनिमेशन में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी हमारी नॉर्मल सी फिस्ट है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, लेकिन अपडेट के बाद में आपको जो फिस्ट के एनिमेशन देखने को मिल रहा है ये आपको लगा है कुछ अलग सा इमोट ही है, लेकिन ये फिस्ट का एनिमेशन होने वाला जो कि नॉर्मल सा होगा अपडेट के बाद में। अपडेट नंबर 6, सेटिंग के अंदर आपको कस्टम एचयूडी में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब आप कस्टम एचयूडी में अपना जो मैप है मिनी मैप उसको इधर उधर मूव कर सकते हो। पहले लॉक रहता था, लेकिन अपडेट के बाद में इसको आप इधर उधर मूव कर पाओगे, यहाँ तक कि आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। साथ में जो सेटिंग का आइकन रहता है उसको भी आप इधर उधर मूव कर सकते हो और छोटा बड़ा कर सकते हो। अपडेट नंबर 7, अब आपको लैब नाम से एक न्यू सेक्शन देखने को मिलने वाला है। ये जो लैब वाला सेक्शन है अभी ओपन तो नहीं हुआ था, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपके जो इवोल्यूशन बंडल्स होंगे वो इस लैब वाले सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि हमारा कोबरा बंडल और बुएडे वाले बंडल। साथ ही में जो रैम्पेज 4 पॉइंट का बंडल आ रहा है वो भी आपको इसके लेवल वाले सेक्शन में देखने को मिलने वाला है। अपडेट नंबर 8, अब आपको इमोट टाइप से एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इमोट देखने को मिलने वाला है। ये इमोट काफ़ी अलग है। अभी इस इमोट की यहाँ पे खासियत क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इस इमोट को इक्विप करते हो तो गेम के अंदर, यानी कि ड्यूरिंग मैच आप मैच खेलोगे उसी के बीच में आप इसको इमोट को यूज़ करके अपनी जो ड्रेस है उसको चेंज कर पाओगे। तो अब ये कैसा होगा, कैसे वर्क करेगा वो तो अभी पता नहीं चला, क्योंकि इसकी कुछ भी लीक्स नहीं मिली है। अब जैसे कुछ पता चलेगा मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपडेट नंबर 9, कैरेक्टर के फेस और लुक में चेंजेस। अपडेट के बाद में आपको जवान जोसेफ देखने को मिलने वाला है। इसके बाल वगैरह भी काले कर दिए गए और काफी अच्छा लुक इसका देखने को मिल रहा है। साथ ही में मीशा के लुक में भी आपको अच्छे खासे चेंजेस देखने को मिलेंगे। मीशा का लुक भी पहले से काफी अच्छा कर दिया गया। और OB33 का अपडेट हमारे इंडियन सर्वर में नहीं आया था, तो अपडेट के बाद में आपको OB34 अपडेट में पलोमा का पूरा लेग चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि इसका जो ड्रेस बंडल है वो भी आपको चेंज देखने को मिलने वाला है। अब पलोमा पूरी तरीके से आपको अलग ही दिखेगी। अपडेट नंबर 10, गेम के अंदर आपको 3 न्यू मैप देखने को मिलने वाले हैं। 2 मैप होंगे बॉम्ब स्क्वाड मोड के, जिसमें से एक का नाम है एल्पेस्टो, दूसरे का नाम है स्टोन कैप। 1 मैप होने वाला है क्राफ्टलैंड कार्ड का। जो क्राफ्टलैंड कार्ड का मैप है ये दिखने में कुछ कैरम बोर्ड की तरह है। अपडेट नंबर 11, तो अब अपडेट के बाद में आपको 5 का स्क्वाड बनने वाला है, यानी कि आपकी लोबी अंदर 5 लोगों का स्पेस रहने वाला है, 5 लोगों का ग्रुप बना सकते हो। लेकिन ये जो ग्रुप है या फिर 5 लोगों का स्क्वाड है ये सिर्फ बॉम्ब स्क्वाड मोड में काम करने वाला है। अपडेट नंबर 12, जय इज बैक। एडवांसर के अंदर आपको जय कैरेक्टर खरीदने का ऑप्शन देखने को मिल रहा था। परचेस करने पे आपको जय कैरेक्टर भी मिल रहा था, उसके अवतार बैनर भी आपको मिल रहे थे। तो यहाँ पे हो सकता है कि जय कैरेक्टर हमारे मेन सर्वर में आपको अपडेट के बाद में देखने को मिल सकता है। अपडेट नंबर 13, क्लैश स्क्वाड के अंदर आपको डायरेक्ट लेवल 3 की वेस्ट नहीं मिलने वाली। आपको पहले लेवल 2 की वेस्ट और लेवल 2 का हेलमेट खरीदना होगा, उसके बाद में आप अपनी वेस्ट को अपग्रेड कर सकते हो लेवल 3 पे कुछ ही कॉइन्स के बदले में। अपडेट नंबर 14, क्लैश स्क्वाड के अंदर आप जैसे स्पॉन होते हैं उसकी जगह को काफी रेंडम कर देगा, यानी कि आप कहीं से भी कहीं पे भी स्पॉन हो सकते हो,
तो आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाला एनिमी कहाँ पे स्पॉन हुआ है। इसी के साथ में कंटेनर की लोकेशन वगैरह को भी थोड़ा सा चेंज किया गया, जैसे कि आप देख सकते हो न्यूरेक डैम वाले जो कंटेनर है यहाँ पे रखे हुए थे, इनको हटा के थोड़ा सा बीच में कर दिया गया है। अपडेट नंबर 15, गेम के अंदर अब आप लोगों को न्यू एवोल्यूशन का देखने को मिलने वाली है, जिसमें से सबसे पहली होगी फार्मास की, दूसरी होगी MP5 की, थर्ड वाली होगी M4A1 की। अपडेट नंबर 16, टाइमर काउंट बिफोर मैच स्टार्ट। मैच स्टार्ट होने से पहले 5 सेकंड का आपको टाइमर काउंट सुनने को मिलेगा, वो भी अच्छी खासी तेज आवाज में, जिससे कि आपको पता चलेगा कि 5 सेकंड बाद जस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप कुछ काम वगैरह कर रहे हो तो आप जल्दी से अपने अटेंशन गेम के अंदर देना स्टार्ट कर दो। अपडेट नंबर 17, अपडेट के बाद में एंटीनो का जो सिग्नेचर रिमोट है वो चेंज होने वाला है। पहले अच्छा खासा हमारा बेवड़ा एंटीनो था, लेकिन अपडेट के बाद में आपको डबल AK-47 हाथ में लेके एंटीनो एकदम थम्स अप करते हुए देखने को मिल जाएगा। अपडेट नंबर 18, OB34 के बाद में सेटिंग्स के अंदर आपको दो न्यू लैंग्वेज देखने को मिलेगी। फर्स्ट होगी बांग्ला लैंग्वेज, दूसरी होगी रोमेनियन लैंग्वेज। अपडेट नंबर 19, क्राफ्टलैंड के अंदर आपको न्यू आइटम्स देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही में जो न्यू मैप आएगा हमारा क्राफ्टलैंड का, उसके अंदर भी आपको कुछ शूटिंग टावर्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, ज़ोंबी स्पॉन करने के आपको वहाँ पे ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। अब इसके बारे में डिटेल में आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि क्राफ्टलैंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में जो क्राफ्टलैंड कार्ड है वो आपको नॉर्मल फ्री फायर में भी देखने को मिलने वाला है इस अपडेट के बाद में। अपडेट नंबर 20, गेम के अंदर जितने भी अपग्रेडेड गन्स है XYZ करके, इनमें अभी के टाइम पे को येलो इफेक्ट देखने को मिलता है। अपडेट के बाद में ये इफेक्ट रेड या फिर न्यून कलर का होने वाला है। अपडेट नंबर 21, FF कॉइन में भी आपको एक अलग सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। नॉर्मल 100 से लेकर 400 तक अगर आपके पास कॉइन रखे हुए कहीं पे भी रखे हुए होंगे तो नॉर्मल से होंगे, लेकिन अगर 500 प्लस कॉइन होंगे या फिर 500 भी कॉइन रखे हैं कहीं एक जगह पे, तो वहाँ पे आपको एक अलग सा इफेक्ट देखने को मिलने वाला, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अपडेट नंबर 22, गेम के अंदर दो नई गन्स आने वाली, जिसमें से फर्स्ट होगी AR गन G36। इसमें आपको दो मोड ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वाला होगा बैलेंस, इसमें आपको रेट ऑफ फायर ज्यादा देखने को मिलेगा लेकिन डैमेज थोड़ा कम होगा। दूसरा ऑप्शन होगा आपके पास असोल्ट का, जिसमें आपका डैमेज बढ़ जाएगा लेकिन रेट ऑफ फायर थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरी गन है M24, ये एक असोल्ट स्नाइपर राइफल है। अब इसको यहाँ पे पता नहीं क्यों स्नाइपर की कैटेगरी में डाला गया। इसका रेट ऑफ फायर थोड़ा ठीक ठाक सही है, लेकिन इसका डैमेज काफी कम है। AC-80 के बराबर इसका आपका डैमेज देखने को मिल जाएगा। अपडेट नंबर 23, गेम के अंदर 3 न्यू कैरेक्टर आने वाले। फर्स्ट कैरेक्टर होने वाला केंता, इसकी एबिलिटी के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, अगर नहीं पता है तो मेरी वीडियो जाके देख लेना, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। एक और न्यू मिस्ट्री कैरेक्टर जिसका नाम है हुमर, इस कैरेक्टर की एबिलिटी मैं आपको बताता हूँ। इसके पास एक ड्रोन है, ये ड्रोन को रिलीज करता है 100 मीटर के आसपास कोई भी अगर बंदा होगा तो ये ड्रोन उसके ऊपर जाके फट जाएगा, तो सबसे पहले उस एनिमी को 25 का डैमेज होगा। उसके बाद में उसकी जो मूवमेंट स्पीड होगी वो 50% कम हो जाएगी और 35% उसकी जो रेट ऑफ फायर है गन्स का रेट ऑफ फायर वो भी कम हो जाएगा, लेकिन ये कुछ ही सेकंड के लिए वर्क करेगा। तीसरा कैरेक्टर होने वाला अनीता के साथ में कोलैबोरेशन वाला, तो इस कैरेक्टर की एबिलिटी वगैरह कुछ भी लीक नहीं हुई, यहाँ तक इसका नाम भी कंफर्म नहीं है कि इसका नाम क्या होगा, लेकिन यहाँ पे इतना तो कंफर्म है कि अनीता के साथ में जो कोलैबोरेशन होगा उसमें भी आपको एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है। अपडेट नंबर 24, गेम के अंदर दो नए पेट भी आने वाले। फर्स्ट होने वाला जेसिल, तो जेसिल की एबिलिटी अगर आप यूज करते हो मेडिकिट रिपेयर किट या फिर इनहेलर कुछ भी यूज कर सकते हो तो 50% चांस होंगे कि आपको वो एक एक्स्ट्रा वापस से मिल जाएगी। सेकंड पेट होने वाला है फिन। फिन की एबिलिटी अगर आप यूज करते हो और आपके पास कोई भी एनिमी या फिर आपका टीममेट डाउन होता है फिर किल होता है तो आपकी मूवमेंट स्पीड और स्प्रिंटिंग स्पीड कुछ टाइम के लिए बढ़ जाएगी। अपडेट नंबर 25, फाइनली इस अपडेट के बाद में गेम के अंदर आपको न्यू ज़ॉम्बी मोड देखने को मिल जाएगा। इस OB34 अपडेट में बहुत सारे कैरेक्टर्स की एबिलिटी में भी चेंजेस हुए हैं, साथ में कुछ कैरेक्टर्स की एबिलिटी पूरी चेंज हो चुकी है, क्योंकि हमारे गेम के अंदर OB33 का अपडेट नहीं आया हुआ था तो हमको काफी सारे कैरेक्टर्स के अंदर चेंज देखने को मिलेंगे OB34 अपडेट में। तो उन सभी के बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं बहुत ही जल्द, तो हो सकता है अगर मैंने वीडियो बना दी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो वीडियो जरूर से देख लेना ताकि आपको सभी कैरेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो अच्छे से पता चल सके। साथ ही में वेपन बैलेंसिंग भी होने वाली, यानी कि गन्स की पावर में भी चेंजेस होगा, किसी का रेट ऑफ फायर बढ़ाया जाएगा, किसी का डैमेज को कम किया जाएगा। तो M1887 या फिर MP40 UMP में क्या चेंजेस हुए वो जानने के लिए वो वीडियो भी जरूर से देख लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दोनों ही जगह पे पिन किया हुआ मिल जाएगा।